अखिलेश यादव होश में आओ, होश में आओ, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, 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 अखिलेश यादव मुर्दाबाद, 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 अखिलेश यादव मुर्दाबाद, 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 देशद्रोही जिन्ना से किया और उसके लिए सारा समाज आक्रोशित है और जिस तरह से क्या स्थिति है उनकी उनकी बना स्थिति का है भाई जिन्ना जिन्होंने देश के टुकड़े किए जिन्होंने हिंदुस्तान को डिवाइड किया करोड़ों लोगों की जान उस आंदोलन में गई उस बंटवारे में गई उनकी तुलना सरदार पटेल जिन्होंने 565 रियासतों को जोड़ दिया वर्तमान का हिंदुस्तान जो आपको दिखाई देता है विकसित हिंदुस्तान जो दिखाई देता है और सरदार पटेल की सोच की देन है ऐसी उनकी तुलना जिन्ना से करना मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह से लोग इस तरह से बयान दे सकते हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली है और इस तरह के बयान दे के जनता को गुमराह कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करें और कुछ नहीं है जिन्ना की तुलना उन्होंने की है सरदार पटेल से जिसके लिए मैं पूरा समाज उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और देश का युवा जिसके मन में राष्ट्रवाद है जो राष्ट्र के हित की बात सोचता है जो राष्ट्रवादी युवा है वो कभी अखिलेश यादव को माफ़ नहीं करेगा आने वाले समय में अखिलेश यादव को हरा युवा सजा देगा और वो सजा मत के फॉर्म में भी हो सकती है बहुत बहुत धन्यवाद।